गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त संभाली है नीलेश ने। पहली गेंद लेकर सज्जे होते हुए नीलेश अपने बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद आक्रामक से गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये खूबसूरत कैच विकेट का बदन होता हुआ सागर की इनिंग की समाप्ति। बैट्समैन बैट्समैन प्लीज ताबड़तोड़ ग्राउंड में जाए, प्लीज दौड़ते हुए जाए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। न्यू बैट्समैन संदीप पहली गेंद पर विकेट हासिल किया नीलेश ने। इसी बीच अगली गेंद तुषार लो फुटास गेंद थी, कारपेट के सारे खेलने का प्रयास, गेंद आती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, जब तक के गेंद को फील करके थ्रो किया जाता, दो रनों की दौड़ लगी, कामयाबी बल्लेबाजों को मिलती हुई और इस दो रन के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर गुड बॉय केवनी दीवा की टीम का। तुषार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, गेंद डॉट के रूप में रही, इस डॉट के साथ साथ अच्छी वापसी के यहां पर गुण दिखाते हुए गेंदबाज नीलेश। नीलेश ने इससे पहले की मैच में भी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था, मात्र सिर्फ 3 रन खर्च किए थे और 1 विकेट अपने नाम किया था, अच्छे गेंदबाजों की सूची में शामिल होने वाला ये गेंदबाज। इस बीच ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं कोई चूक नहीं, विकेट का पतंग होता हुआ एक और झटका यहां पर लगता हुआ गुड बॉय केवनी दीवा की टीम को। नीलेश को मिलती हुई दूसरी सफलता, नीलेश ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, थोड़ी सी ललचाती हुई गेंद करते हैं और बल्लेबाजों को इस गेंद में फंसाने में कामयाब रहते हैं। तुषार की इनिंग की समाप्ति हुई, अब नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त सूरज। सूरज नॉन स्ट्राइक हैंड पर है इस वक्त, संदीप सामना करने के लिए तैयार। आक्रामक शॉट गेंद हवा में और एक और कैच का खत्म होता हुआ, एक और झटका यहां पर लगता हुआ बैटिंग इन टीम को। क्या बात है, नीलेश की अगर बात करें इस वक्त हैट्रिक पर दस्तक दे रहे हैं, ओवर हैट्रिक तो ले चुके हैं अब तक के, उन्होंने 3 विकेट अपने नाम चटके हैं और गेंदे कर चुके हैं लगभग 5 और रन खर्च किए हैं सिर्फ मात्र 2। सूरज किस तरीके का परफॉर्मेंस करेंगे ये देखने वाली बात जरूर। संदीप की अगर बात करें तो संदीप अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। नीलेश न्यू बैट्समैन नीलेश नॉन स्ट्राइक हैंड पर है, सूरज सामना करने के लिए तैयार और नीलेश गेंदबाजी करते हुए। इसी बीच ये गेंद, ये पहली हैट्रिक इस प्रतियोगिता की नीलेश के पक्ष में जाती हुई, दूसरी यस 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 ये दूसरी हैट्रिक है, सेकेंड हैट्रिक लेने का श्रेय जाता है नीलेश को। वेल डन नीलेश, गुड ओवर, 2 रन खर्च किए और विकेट अपने नाम किए 4, क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। राहुल न्यू बैट्समैन मनोज नीलेश और मनोज इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर, राहुल ओवर लेकर तैयार। शॉर्ट पिच गेंद है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है और यहां पर विकेट का पतंग हो सकता था, हाथों से कैच छटका और छूटा, 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस वक्त में कैच छोड़ना भारी पड़ सकता है क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट मिल गया है, एक अच्छी शुरुआत मिल गई थी और उसके बाद इस तरीके की गलतियां करना ये भारी पड़ सकता है। नीलेश ने 2 रन के साथ अपना खाता खोला है, स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 4 रनों पर, 5 गेंदे इस ओवर की अभी भी आना शेष। इस बीच ये गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है लेकिन नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरती हुई, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, 2 रन लेना चाहते हैं, नजदीकी मामला हो सकता है, अंपायर का इशारा यस सर, रन आउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ। साथ
नहीं पाया तो ट्रम्पेट ऍक्शन घेतलं मी वाजवला तर तू बघला कसा वाजवी नाही रे गळ्याला तुमची भी वाट लागते ना ती घटना पटा पडली न्यू बॅट्समॅन जय राहुल सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर इस बार काफी बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया है कवर्स के क्षेत्र में खूबसूरत फील्डिंग दो रन लेना चाहते हैं नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन काफी लेट थ्रो काफी लेजी थ्रो दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है सात रनों पर गेंदें बची हैं मात्र तीन राहुल की राहुल फिर से एक बार सज्ज होते हुए जय फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार होते हुए इसी बीच ये गेंद इस बार ये गेंद आशा भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखा लेकिन गेंद डॉट के रूप में रही इस डॉट के साथ साथ एक अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज नजर आ रहे हैं सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस बीच ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है गेंद काफी समय तक के हवा में और यहां पर क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा सा फुटबॉल का दृश्य जरूर देखने मिला है और यहां पर नजदीकी मामला स्कोर 10 रनों पर दर्शाता हुआ एक गेंद अभी भी यहां शेष एखाद्या मांडवर घेऊ दिले आईचं बॅट वाला शॉर्ट पिच गेंद थी फुल किया है और ये गेंद बैकवर्ड्स के लेग के क्षेत्र में और दौड़ कर किए हैं यहाँ पर अंपायर कितने रन दौड़े हैं प्लीज बता दे प्लीज चार रन हम वो रहा चार रन दौड़कर पूरे किए हैं और स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर जीत के लिए 15 रनों की दरकार पब्लिक चलिए भाई फील्डिंग लगाना है फील्डिंग की टीम पब्लिक ने दाखना ऐसा स्टेडियम मीडियम चले गुड बॉय गुड बॉय गेमी चलिए ताबर तो ग्राउंड का ताबा ले हाँ देख सकते हैं वाईफाई बॉय से गुड बॉय कैप्टन ताबर तो ग्राउंड के अंदर प्रवेश करें ताबर तो टाइम वेस्ट नहीं करना प्लीज घेऊन तुम्ही फेकून कट करतो तुम्ही फेकून कट करतो दोन्ही फास्ट बॉल टाकतील लास्ट 12 रन एक काय तो त्याला चलिए फील्डिंग टीम चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना प्लीज ताबड़ तो दो ओवर का मैच है और टाइम कम है आप भी देख सकते हैं परछाइयां लंबी हो चुकी हैं सूरज जा चुका है चांद का आने का वक्त आ चुका है तो प्लीज मैच ताबड़तोड़ शुरू करें एसपी पाटिल सर प्लीज स्टार्ट द मैच केवनी वाले दिन खेलते तो चलिए जीत के लिए 15 रनों का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई आकाश और उनका साथ देने उतरे हैं नीलेश इस तरीके की जोड़ी और गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है सागर ने सागर की पहली गेंद आकाश सामना करने के लिए तैयार इसी बीच ये गेंद
पहली गेंद सम्मानजनक स्ट्रोक कलाइयों का अच्छा उपयोग किया, गेंद को दिशा दी, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ और इस एक रन के साथ आकाश ने अपना और अपनी टीम का खाता जरूर खोला है। बची हुई गेंदे हैं 11 और जीत के लिए 14 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 14 रन। मैच आहिस्ते आहिस्ते रोमांचक स्थिति में जरूर जाएगा क्योंकि दोनों ही अच्छी टीमें हैं। इस बार करारा प्रहार करने का प्रयास, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का बदल होता हुआ, पहला झटका लगता हुआ बैटिंग इन टीम को। न्यू बैट्समैन ताबड़तोड़ पाइए नहीं तो आपको ही दिक्कत होगी बल्लेबाजी में। 10 गेंदे 14 रन, मैच का इक्वेशन और सिचुएशन कुछ इस प्रकार का दर्शाता हुआ। सूरज बेहतरीन लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी, सागर बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू बैट्समैन सुमित नॉन स्ट्राइक एंड पर है लेकिन आकाश विकेटों के बीच में खड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है उनकी टीम के लिए क्योंकि अच्छे बल्लेबाजों की सूची में आते हैं। 36 गेंदी पुल करने का प्रयास था, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, दो रन दौड़ के पूरे किए, तीसरा रन लेना चाहते हैं, हाना के इशारे, नजदीकी मामला हो सकता है और यहां पर आत्महत्या के रूप में विकेट का पतन। दो रन हो चुके थे, तीसरा रन क्यों, रिक्स लेने की प्रयास में सुमित ने अपना विकेट गवाया और सुमित जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौट चुके हैं शून्य का चश्मा पहनकर। कल का पहला मुकाबला 40 प्लस का होगा, शेंडोबा स्पोर्ट्स वर्सेस मुगरपाड़ा के बीच पहला 40 प्लस का मैच खेला जाएगा। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार सागर अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार आकाश ऑन फायर, बेहतरीन स्ट्रोक का, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं और यहां पर जब तक की थ्रो किया जाता है, दो रन मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। कल के दिन में की अगर बात करें तो बिल्कुल कल 40 प्लस का एक मुकाबला होगा, उसके बाद टूर्नामेंट के मैचेस का आगाज होगा। पहला मुकाबला खेला जाएगा नरेश स्पोर्ट्स कासर वोडली वर्सेस पोषमात्र भाईंदरपाड़ा, सेकेंड मैच भव्य 11 वाकबिल वर्सेज केवनी दिवे केवनी, उस तरीके से कुणाल स्पोर्ट्स वर्सेज कालिका माता कासर वोडली, तीसरा मुकाबला चौथा मुकाबला खेला जाएगा सोनवाई मरू आई कोलचेत, और इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक और ये खूबसूरत कैच, सुनवाई बरुआई बालकुम वर्सेस पुंजार स्पोर्ट्स कोलचेत। आकाश आउट हो चुके हैं, आकाश की कमी पूरी करने के लिए देखना होगा किस बल्लेबाज को भेजा जाता है। सात गेंदे 10 रन, 7 गेंदों में 10 रन की जरूरत, मैच का सिचुएशन कुछ इस प्रकार का आता हुआ। इस बार मिस टाइमिंग सो गेंद हवा में और ये कैच, विकेट का पता, 6 गेंदे 10 रन। बैट्समैन ताबड़तोड़ पाइए बैट्समैन नहीं तो आपको ही गेंद नहीं दिखेगी, आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। न्यू बैट्समैन अरबाज, 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत, इस वक्त मैच को गेंदे 10 रन। सूरज इस बार ये गेंद डॉट के रूप में रही, पांच गेंदे 10 रन।
व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं, नजदीकी मामला हो सकता है और बॉल के पूरे किए, तीसरा रन लेना चाह रहे हैं और यहां पर तीन रन, ओहो यानी चार रन का इजाफा, पांच बॉल या तो सात बॉल या पांच बॉल पर तीन रन दौड़कर पूरे किए हैं। मैच का सिचुएशन चेंज हो चुका है, मैच में कैसे उल्टा पूरी तरीके से फेरबदल करता हुआ, चार गेंदे और छह रन की जरूरत, माफ कीजिए पांच गेंदे और छह रन की जरूरत, पांच बॉल छह रन, इसे किस्मत पलटना कहते हैं, इसे लक अपने फेवर में आना कहते हैं, इस वक्त लक इनका साथ देता हुआ, किस्मत इनकी साथ देती हुई, इस बीच ये गेंद इस बार स्टेट ड्राइव करने का प्रयास किया था, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, चार गेंदे और जीत के लिए पांच रनों की जरूरत, चार गेंदे पांच रन, चार गेंदे पांच रन, हर मैच टफ हुआ, हर मैच काफी अच्छा हुआ और हर मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देखने मिला। सूरज फिर से एक बार सज्ज होते हुए सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से बल्लेबाज, इस बार लोफुल टॉस गेंद खेल दिया, गेंद हवा में और विकेट का मतलब होता हुआ, क्या कैश लगता है, न्यू बैट्समैन प्लीज साबर तो बाय न्यू बैट्समैन, तीन गेंदे और पांच रनों की जरूरत, तीन बॉल में पांच रन की जरूरत, एक रन का रहता होता ये एक दोन खेला चुआ ने टी शर्ट कैसे दिले बे डक्चू, तीन गेंदे पांच रन, क्या देखते हैं सूरज गरम है गरम और यहाँ पर नजदीकी मामला रनआउट के रूप में विकेट का बगा होता हुआ, दो बॉल पांच रन, मेरी आँखें मुंह दो बॉल पांच, प्लीज न्यू बैट्समैन डबल दो पाए। तो दोस्तों कल का मुकाबला आप देखोगे 40 प्लस के पहले मुकाबला आप जरूर देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट मैच टूर्नामेंट के मैचेस की अगर बात करें तो पहला मुकाबला नरेश स्पोर्ट्स कासर वरोली वर्सेस पोष मात्र भाईंदर पारा, दूसरा मुकाबला भव्य 11 रॉकविल वर्सेस केवनी दीवे केवनी, उसी तरीके से फटे ना वर्सेज कालिका माता कासर वरोली बालकुम वर्सेज हंजार स्पोर्ट्स कोच है, कल के आठ टीम परफॉर्मेंस करेगी, सबको समय दिया गया है, समय पर आना है और कल का दिन यानी मेगा फाइनल डे इस आन बान शान की ट्रॉफी का अंतिम और आखिरी दिन, इस बीच ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, एक रन तेजी के साथ पूरा किया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं और यहां पर आत्महत्या, विकेट का बतन होता हुआ, एक बॉल चार रन, एक बॉल में चार रन की जरूरत, फील्डिंग यूनिट टीम चलिए टावर को फील्डिंग अपनी अपनी पोजीशन पे जाइए, एक बॉल चार रन है, आपको पता है किस तरीके से फील्डिंग करनी है क्या करना है, एक बॉल चार रन है, टाइम वेस्ट ना करें प्लीज, और चांगल मार ना तू यार का वाट लावली तू कनाल छक्का मारला होता दोन दोन घे ना, एक बॉल चार रन कौन समझा तो सात बॉल आठ रन पाए दोन दोन गए मस्त पैकी जिकलू नहीं ना, बाइक जो चला रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाइक की लाइट कम पांच मिनट के लिए बंद कर ले, एक बॉल बाकी है, एक बॉल चार रन भी जरूर लाता तो, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है गुड बॉय केवनी की टीम ने और पहली टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली, वेल डन वेल प्ले, ए थाम सतीश पाटिल विकेट था क्या लास्ट काम बोला।